अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है फर्स्ट रमज़ान एंड आप सबको रमज़ान मुबारक हो। और मैं बनाने लगी हूँ रमज़ान रूटीन, कि मैंने कहा क्यों ना अपने फ्रेंड्स से शेयर किया जाए कि फर्स्ट रमज़ान में मैं कैसे अलग अलग करती हूँ और छकती हूँ। मतलब फ्रेंड्स मैं बाहर गई थी तो वहाँ से मैं ये सारा सामान ले गई रमज़ान के लिए, कि पीनी है, कि पापे हैं, और ये समोसा पट्टी पट्टी कुछ भी कह लो है, और ये पराठे हैं, और ये समोसे मैंने बनाए। और अगर समोसा हम बनाते हैं कल के, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सही है? तो अभी ये देख लें। सो फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिया कि मैं रमज़ान के लिए क्या लेकर आई, तो लेके तो बहुत कुछ आएंगे जो अभी लेकर आई मैंने आपको दिखा दिया। और अभी हम जा रहे हैं मैकडॉनल्ड्स आइसक्रीम खाने, तो मैंने कहा वो भी शूट कर लिए जो है, जब कर ही रहे हैं तो वो कर लिया है। अभी बज रहे हैं 12:15, तो मैं जाऊँगी लेकर आऊँगी, अब आपको दिखाऊँगी आइसक्रीम। ओके सो मिलते हैं गाड़ी के अंदर। सभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, मैं अपना फोन यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आ गई मजा वगैरह से काफ़ी देर हो गई। सो अभी 3 बज रहे हैं, मैं घर से मेरे पापा ने कहा कि 5 बजे रोज़ा बंद हो जाएगा, तो अच्छा 4 बजे उठे हैं, तो फिर मैं 4 बजे आपको सारी दिखाऊँगी जो सारी बनेंगी, मैं सो रही हूँ उसी वजह से। सो बोला सो फ्रेंड्स मैं उठ चुकी हूँ 11 बजे, मैं को बताया था 3 बजे तक मैं झाँगी में जाती रहूँगी, फिर ना बना 3 बजे तक झाँगी, 3:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद को 3 आ गई और बस हो गई, ना मैं सैरी कर पाई ना मैं शूट कर पाई, तो इस वजह से अभी मैं उठी हूँ। अभी मैं फीनी बना रही हूँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं फीनी कैसे बनाती हूँ। अभी दूध चूल्हे पर फीनी बना दी फीनी, तो ये रही फीनी, ये हमारी फीनी है, उबल दूध उबल चुका है, थोड़ा सा और उबालेंगे, और यहाँ पे ये हमारी फीनी है। फ्रेंड्स हमारी फीनी बन चुकी है और अब मैं फीनी को खाऊंगी, आई होप अच्छी बनी होगी, तो इसको खाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं नानी के घर से आ चुकी हूँ, नानी के घर से आने के बाद मैं नहा भी चुकी हूँ, तो हमारे मैं अफ्तारी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी तो छोले बनाना है, आपको दिखाती हूँ। ओके तो फ्रेंड्स ये हमारे छोले उबल, सबको ताजा की अफ्तारी की तैयारी के लिए छोले उबल रहे हैं, और आप देख लो, और अभी मैं खाना खाऊंगी, देखते हैं क्या खाना है। वैसे मैंने जो फेन सुबह बनाई थी वो भी मैंने नहीं खाई है, तो गाइस ये मैंने ब्रेसलेट बनाया, रबर बैंड ब्रेसलेट खुद बनाए मैंने, और यकीनन आपको अच्छे लगे होंगे मेरे बनाए हुए। अगर आपको अच्छे लगे ना, अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए कैसे बनाते हैं इसे, तो मैं आपको दे दूँगी, शायद इसी वीडियो में दे दूँगा आपको, देखें। वैसे मैंने बहुत सारे बनाए हैं, पर ये मैंने कल बनाए थे, मैं आपको लोगों को दिखाना भूल गई, तो मुझे भी याद आया, तो मैंने कहा चलो मैं फ्रेंड्स को दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरीके का, मतलब कलर कॉम्बिनेशन अच्छा, सब अच्छा लगता है, तो इसी वीडियो में आपको शायद दे दूँगी इसका ट्यूटोरियल कैसे करते हैं, तो फिर आपको लाइक करना पड़ेगा, सही है? तो देखें, तो फ्रेंड्स की स्पाइस नूडल्स में लेकर आई हूँ, चैलेंज कर लीजिए, वीडियो मेरे चैनल पे आ जाएगी स्पाइस नूडल्स वाली। अगर मैं मतलब इसको मैं अगर मैं कंप्लीट करती हूँ ये चैलेंज, तो आपको मेरी वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ओके तो फ्रेंड्स ये मैंने शरबत के लिए पानी में चीनी घोल दी है, ताकि अच्छे से बन जाए। फ्रेंड्स मैंने रोज़ा भी इसके अंदर डाल दिया है, बड़ी बोतल से थोड़ी मुश्किल से डाला है, पर छोटी बताई कि दोनों से करना था, तो अभी इसको। तो फ्रेंड्स ये हमारे छोले तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये माश की दाल के पकौड़ों के लिए हमने तेल गरम कर रहे हैं, तो अभी पकौड़े डाल, माश की दाल भिगोई हुई है, इसको पीसना है ना पहले, हाँ पकौड़े ही बनेंगे हरी दाल के, इसको पीसेंगे पहले, फिर उसके पकौड़े का पेस्ट बनेगा, फिर उसको डालेंगे। हाँ डाल, फ्रेंड्स ये तरबूज आया है अफ्तारी के लिए, उसको अंदर डाल दो। तो फ्रेंड्स ये पकोड़ों के लिए बेसन तैयार हो गया है। फ्रेंड्स आलू के पकोड़ों के लिए आलू भी छील गया है, ये नमक वाला पानी जिसमें आलू डालेंगे ताकि आलू की अंदर जो भी सही हो जाए। ये दही बड़ों के लिए पेस्ट बन गया, माश की दाल, हरी दाल के पकोड़ों का भी पेस्ट बन चुका है, तो उसको भी हम मतलब फ्राई
मैंने शरबत में पानी भरी, मैंने बताया था कि चीनी घोलने के उसके बाद मैंने उतारा था, तो उसके ये बन चुका, उसमें मैंने पानी भरी ठंडा वाली बोतल से भर दिया है। ये फ्रेंड्स ये मैंगो टैंग भी रेडी कर दिया। मेरी बहन ने पकोड़ों के लिए जो है आलू भी कट कर लिए हैं। ये दही बड़ों के लिए दही है और मैं इसको मिक्स करूँ, तो यहाँ पे दही बड़ों के दही में नमक और चीनी डाल दिया। अब इसको फैसे में सब कुछ मिक्स हो गल चुके हैं। मैं बनाऊंगी दही, अब मैं बनाऊंगी आलू के पकौड़े, तो वो हम छोटी करते हैं। आलू के पकौड़े, आलू के पकौड़े मैंने लाल चावल करके रख दिए हैं यहाँ पे, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सारी मना मना के। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल साफ़ करी थी, मेरी बहन साफ़ करके गई है, अब वो बाहर गई उसको रोज़ा, तो वो साफ़ कर चली गई, मैं भी रहने नहीं कर रहा साफ़ कर चली गई। और ये हमने टैंक रखा है, ये शरबत है, और बाकी फ्रेंड्स मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब अफ्तारी तैयार करने में, फर्स्ट रोज़े में, मतलब इस ईयर का फर्स्ट रोज़ा और अफ्तारी तैयार करने में बहुत मज़ा आ रहा है। भले वो अलग बात है कि थोड़ा थकन हो रही है करने में, पर मज़ा बहुत आ रहा है, आप लोगों को यकीन आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो फटाफट नीचे हो जाके लाइक कर दे। प्याज दस बेसन और बस ये प्याज दस बेसन और पानी मिक्स, हरा धनिया पुदीना डालेगा ला बोला हमारा जो पानी है। ये मेरी बहन ने चाट के लिए क्रीम जो होती है चाट की क्रीम, उसमें सारा सामान डाल के उसको मिक्स कर रहा है। क्योंकि बिल्कुल गैस नहीं थी और अफ्तारी भी बड़ी मुश्किल से मिली है, फ्राई कीमा बना रहे सहरी के लिए। तो फ्रेंड्स मैं फ्री हो गई हूँ साथी इफ्तारी करके बना के, अभी वो टाइम है 6:00 और 7:00 अब तक रोज़ा खुलेगा, तो बस अभी फूड चल रह गई है, मेरी मम्मी बनाएंगी और बाकी सब हो चुका है। मैंने अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ताकि सही रहेंगे, रेस्ट करेंगे, मैं सब कुछ करके आ गई हूँ टीवी वगैरह पे रख के, अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, तो आपको मिलती हूँ। तो आपके मैंने आपको दिखा दिया था पर मैं लेकर आए थे वहाँ से, तो फ्रेंड्स अब खाली हो चुकी है, मैंने सारा खा लिया है, मेरे मुश्किल से खाया है, अब मैं नमाज़ पढ़ने जाती हूँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमने अफ्तारी का सारा सामान वहाँ पे रख दिया टेबल वगैरह पे, मैंने आप दिखा भी दिया, और बस अब हम रोटा उड़ेंगे और बैठेंगे और अफ्तारी करेंगे, तो मैं अफ्तारी करने के बाद मैं आप सबको मिलती हूँ, तो रोटा के लिए बाय। मैंने आपको दिखाया था मेरे पापा मेरी बहन लेकर आए थे बिना शीरी से, तो हमने यहाँ पर रख दिया है, और यहाँ पे जलेबी है, और ये क्रीम में अभी इसमें चाट में जलेगी है। तो ये फ्रेंड्स मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ, अब मेरी बहन बर्तन धो रही है और मैंने चाय बना दी है, मैं आपको दिखाती हूँ।